नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। बदलते युग में हर वो चीज संभव होती जा रही है जिसकी पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी, वो आज साकार होती नजर आ रही है। विज्ञान हो या कृषि, हर क्षेत्र में इंसान दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है। कृषि विविधीकरण से अब किसान भी स्मार्ट खेती की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब किसान हवा में आलू पानी टमाटर उगाकर अपनी आय को दोगुना कर रहा है और आर्थिक तौर पर दिन प्रतिदिन मजबूत भी होता जा रहा है। किसान उत्थान में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही किसानों से रोजाना कराते हैं, तो चलिए किसान उत्थान कार्यक्रम का सफर शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीक इजाद हो रही है और इसी कड़ी में हाइड्रोपोनिक तकनीक भी धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय होने लगी है और किसानों को भी आकर्षित कर रही है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बिना मिट्टी के ही सब्जियों को उगाया जाता है। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन विज्ञान के विकास ने इसे संभव कर दिखाया। पानीपत में एक महिला किसान हवा और पानी से ही खेती कर मालामाल हो रही है, तो चलिए अब आपकी मुलाकात इस महिला किसान के साथ कराते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है और खेती से ही अपना गुजारा चलाती है। लेकिन बदलते समय और बढ़ती तकनीकों के साथ अब खेती के भी नए रूप देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के उत्थान के लिए दिन रात काम कर रही हैं। मोदी मनोहर सरकार ने जब से देश प्रदेश की सत्ता को संभाला, तब से किसानों की आय को दोगुना करने का सपना देखा और लगातार किसानों के हित में योजनाओं को बनाने लगे जिससे किसान समृद्ध होने लगे। पहले जो खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रही थी, वहीं अब खेती किसानों को मालामाल करने लगी है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसी अपील का असर अब प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। आजकल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल हवा, पानी और जमीन की, भले ही वो जमीन खेती लायक क्यों ना हो। इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से पानी की बचत भी काफी ज्यादा होती है। बिना मिट्टी के भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। बिना मिट्टी के टमाटर, गोभी, बैंगन, पालक जैसी हरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ऐसा कर दिखाया है पानीपत की रहने वाली महिला किसान गुंजन भाटिया ने। किसान गुंजन भाटिया प्रदेश की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने सिर्फ पानी में खेती की है और खेती से बंपर कमाई की है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है बजाय के सॉइल के, कम्प्लीटली सॉइललेस फार्मिंग है। सो, ये टेक्निक आई कहाँ से? हमारा ड्रीम था हमेशा के लिए कि हम पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें और अफोर्डेबल प्राइजेज में। सो, जनरली जो बाहर तला और भी जगह ये होता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वहाँ पर जनरली यूज़ करते हैं कोकोपिट हमारे, जिससे कि प्राइस राइज होता है। हमारा ये कम्प्लीटली सॉइललेस कोकोपिट लेस टेक्निक है ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, कम्प्लीटली वाटर से है ये। डेफिनेटली अगर हम सोचते थे कि हमें पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, हमें टेक्निक ऑफ नॉर्मल खेती, सॉइल वाली खेती को चेंज करना ही पड़ता। सो, हम ये सोचते थे कि हम कैसे लो कॉस्ट प्रोड्यूस कर सकें और हाई क्वालिटी यील्ड दे सकें, उसे न्यूट्रिशन वैल्यू सब्जी की ख़राब ना हो। जिससे कि हमारी ये टेक्निक आई सामने। रिजल्ट अच्छा है हमारा, हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा जा रहा है। हमारा प्रोड्यूस पर एकड़ है 14,000 केजी पर मंथ। जो ये टेक्निक है, ये इक्की फार्म के नाम से कंपनी है, कोटा बेस्ड। अमित बिश्नोई हैं जो इनके टेक्निकल पार्टनर हमारे, जो कि सारा टेक्निकली ये ग्रो कर रहे हैं। ये सबको ऐसा लगता है कि आप पानी में उगा रहे हैं तो डेफिनेटली पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती होगी, जबकि ये उल्टा है। इसमें नॉर्मल खेती के कंपैरिजन में 80% वाटर का बचत है, क्योंकि जो ये पानी है, ये वही पानी इधर आता है रूट्स में, न्यूट्रिशन देता है पौधे को, और वही पानी वापस जाके उसी पिट में जाता है, आरओ होता है, दोबारा न्यूट्रिशन ऐड होता है, वापस इसमें आता है। मैडम, क्लाइमेट के लिए किस तरह का कंट्रोल होता है?
सो ये जो खेती है ये आइडल खेती है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल. जो पॉली हाउस बना हुआ है इसमें कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल रहता है. आप राजस्थान जाइए वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, या मुंबई जाइए रेन ज़्यादा है, यहाँ कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल रहता है. हमारे यहाँ पे कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं और एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जिससे कि यहाँ पे ठंडक मेंटेन रहती है. इंटरनल फैंस लगे हुए हैं जिससे कि अंदर की हवा को मिलती है. एंड फॉगर्स भी लगे हुए हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए. आपको बता दें कि इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहा जाता है और इस तकनीक से भूमि पर उगाए गए पौधे से ज्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है. किसान गुंजन भाटिया ने अभी सिर्फ 5 एकड़ में हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाई है और इस यूनिट में सिर्फ टमाटर की खेती की है. पानीपत जिले में हाइड्रोपोनिक की ये पहली यूनिट है जहाँ पर सब्जियों का उत्पादन शुरू हो चुका है. ये महिला किसान खुद तो टमाटर की खेती से मालामाल हो ही रही है, लेकिन 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी देने का काम कर रही है. हमारा ये 5 एकड़ में काम है और ये हमारा शुरू से रूल रहा था कि इंडिया में हमेशा फार्मिंग को मेन से एसोसिएट किया जाता है कि मेल ही फार्मर्स होंगे. मैं पहली महिला फार्मर हूँ इधर इस रीजन की, बट मैंने यहाँ पे रूल बनाया हुआ है कि यहाँ 100 फीमेल्स मेरे अंडर यहाँ काम करती है. हार्वेस्टिंग से लेके पैकिंग से लेके एवरीथिंग, न्यूट्रिशन गिविंग, इरीगेशन, सब कुछ यहाँ पर महिलाएँ करती हैं. मेरे अंडर यहाँ पर 100 महिलाएँ जो काम करती है इस फार्म पर. ट्रेडिशनल तरीके से हमने एक पेड़ उगाया टमाटर का और एक इस तरीके से उगाया, तो हम लोग किसमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं? इसमें आप सोचिए, अगर ये पर यूनिट आपके यहाँ पे 8 गुना ज़्यादा टमाटर आएंगे, खेती में सिर्फ वो 1 यूनिट आएगा पर यूनिट ऑफ लैंड का. अगर आप देखें एक यूनिट ऑफ लैंड में यहाँ पे ये 2 टहनियाँ निकल के इतना टमाटर निकल रहा है, जहाँ पे वहाँ पे 2 टहनियों से 6 to 7 इस टहनी का, 6 to 7 kg उस टहनी का, 14 किलो पर यूनिट निकल रहा है, जहाँ पे नॉर्मल खेती में सिर्फ 1 टमाटर उगेगा. किस रेट पे आपका टमाटर जाता है कि जिस तरह ये मतलब आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड फ्री है, किस जो रेट पे नॉर्मल खेती का निकलता है हम उसी रेट पे निकाल रहे हैं. हमारा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, नहीं पेस्टिसाइड नो. जबकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी डेफिनेटली ज़्यादा है नॉर्मल खेती से. पहली महिला आप ऐसी हैं जिन्होंने इस तरीके से खेती की है, किस किस का सहयोग मिला? हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का सहयोग मिला, नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग मिला, पॉली स्ट्रक्चर बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक हर चीज़ के लिए सहयोग मिला. दोनों पहले शौक रखते थे, और कुछ अलग डेफिनेटली करना था, नॉर्मल खेती नहीं करना था. इसके बहुत न्यूमरस फ़ायदे हैं इस खेती के. एक तो मिट्टी से होने वाली कोई भी बीमारियां इसमें आएंगी ही नहीं, नंबर वन. नंबर टू, साल भर आप खेती कर सकते हैं, कोई भी सीज़न हो, बाहर बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ हो, हवा हो, साल भर आपकी खेती चलती है. नंबर थ्री, कोई पेस्टिसाइड यूज़ ही नहीं होता है इसमें, बिकॉज़ ये सॉइललेस है, सो कोई पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल. नंबर फाइव, द यील्ड इसमें बेटर, ज़्यादा यील्ड निकलती है और ज़्यादा न्यूट्रिशनस यील्ड निकलती है. और ये सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है. सस्टेनेबल मतलब कि ये एनवायरनमेंट को सेव करती है, हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स देती है. ये डेफिनेटली फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है हाइड्रोपोनिक तकनीक. हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए ही खेती करना. वातानुकूलित पॉली हाउस में लंबी लाइन वाले पानी के चैम्बर में छोटी सुराख वाले गमले में पौधे लगाए जाते हैं. पौधे को सहारा देने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे कंकड़ गमले में डाल दिए जाते हैं. 1 एकड़ में लगभग 1,500 पौधे लगाए जाते हैं. एक पौधा एक सीजन में 14 से 15 किलो तक टमाटर का उत्पादन करता है. हर महीने 1 एकड़ से 14,000 किलो टमाटर निकलता है. हाइड्रोपोनिक तकनीक में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है. हाइड्रोपोनिक तकनीक से सब्जी की पैदावार भूमिगत खेती के मुकाबले ज्यादा होती है. आमतौर पर फसल 3 और 4 माह तक चलती है, लेकिन इस तकनीक से फसल लगभग 6 से 7 माह तक चल जाती है. हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाने की मंजूरी हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से दी जाती है. हाइड्रोपोनिक यूनिट पर सरकार की ओर से 35% का अनुदान भी दिया जाता है, जिससे किसानों को काफी सहायता भी मिल जाती है. तो देखा आपने कैसे आज के युवा और अब महिलाएं भी आगे आकर खेती में अपना भविष्य बनाने लगे हैं. पहले जहां युवाओं का खेती किसानी से मोह भंग होता था, आज वही किसानी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं. ये सब हो रहा है
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उन तमाम प्रयासों से जो उन्होंने किसानों के उत्थान के रूप में देखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली, तब से किसानों के अच्छे दिन लौट आए। इसी कारण आज प्रदेश का किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा है। मनोहर सरकार की ओर से किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का किसानों को मनोहर फायदा हो रहा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।